5.1 जड़त्व तथा द्रव्यमान। अभी तक दिए गए सभी उदाहरणों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील। वह इस स्थिति को नहीं बदलना चाहती और अपनी मूल अवस्था बनाए रखना चाहती है। वस्तु की यह प्रकृति ही जड़त्व है। इससे कई और सवाल उभरते हैं, जैसे यह सोचा जा सकता है कि क्या सभी वस्तुओं में जड़त्व होता है? यदि हाँ, तो इसका मान किस पर निर्भर है? और यह भी कि क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? आइए इसे जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप दो, प्लास्टिक के दो बोतल का और खा लें। बोतल खा में पानी भरें। दोनों बोतल को हाथ से मारकर गिराएं। किस बोतल को गिराना ज्यादा आसान था? आप पाएंगे कि खाली बोतल को भरी बोतल की अपेक्षा हाथ से मारकर गिराना आसान है। इसी तरह पुस्तकों से भरे बॉक्स को धक्का देने की अपेक्षा खाली बॉक्स को धक्का देना आसान होता है। ऐसे कई और उदाहरण हम सोच सकते हैं, जैसे साइकिल पर अकेला व्यक्ति हो तो साइकिल को ब्रेक लगाकर शीघ्रता से रोका जा सकता है, परंतु जब आपके साथ आपका मित्र भी साइकिल पर बैठा होता है तो साइकिल को ब्रेक लगाकर रोकना कठिन हो जाता है। क्या आप इनका कारण समझा सकते हैं? भरी हुई बोतलों की अवस्था बदलने के लिए खाली बोतल की अपेक्षा ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति साइकिल चलाता है तो चलती साइकिल को रोकने में कम बल लगता है, जबकि दो व्यक्तियों के बैठे होने पर ब्रेक लगाने में ज्यादा बल लगता है। इसका अर्थ है भारी वस्तुओं में ज्यादा जड़त्व होता है। जड़त्व वह प्रकृति है जिसके कारण वस्तु लगातार अपनी विराम या गति की अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। द्रव्यमान वस्तु के अवस्था परिवर्तन में विरोध का मापक है, अर्थात द्रव्यमान वस्तु के जड़त्वीय प्रवृत्ति का माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है।